हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब कभी भी आप अपना वीडियो देख रहे हैं, मेरा नाम है हंसराज चौहान, आप मुझे देख रहे हैं CICM क्लासेस के ऊपर। लास्ट टॉपिक की बात की जाए तो बेटा, लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो फिनोल की केमिकल रिएक्शन थी, जिसमें रायमंड टीमान और कोलबे एक नेमिंग केमिकल रिएक्शन थी, और वो टॉपिक मैंने आपको क्लियर करा दिया है। अब मेरे बच्चों, जो यहाँ पे जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन। किसमें बेटा? फिनोल में। अब आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, अपने नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर तरीके से समझना है रिएक्शन किस तरीके से होगी, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, माइनर क्या बनेगा, किस तरीके से रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी, सब चीज़ें समझेंगे और प्रॉपर चैनल में अपने नोट्स को बनाते रहना है। ठीक है बेटा, आराम से देखिए। देखिए बेटा, टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन इन फिनोल। कि सर, फिनोल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन होगी तो क्या होगा, क्या कहानी होगी, वो सभी आपको समझना है। ठीक है बेटा, टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन इन फिनोल। अगर बेटा यहां से अगर बात की जाए तो फिनोल क्या करता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन शो करता है। सर, अगर कहानी की बात की जाए तो कहानी क्या है, अब आपको समझना है। देखो बेटा, अगर मैं यहां से अगर बात की जाऊं, कोई भी रिएक्शन होगी, कोई भी क्या होगी बेटा? रिएक्शन। अब सर, हमने पढ़ाई की जब कोई भी रिएक्शन होगी तो कोई भी रिएक्शन में क्या होता है बेटा? रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट रिएक्शन किसके साथ करेगा? रिएजेंट के साथ। किसके साथ करेगा बेटा? रिएजेंट के साथ। क्लियर है? इसको हिंदी में अभिकारक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा? अभिकर्मक। तो सर, यहां पे लास्ट में जो बनेगा वो आपका क्या होगा बेटा? प्रोडक्ट। क्या होगा सर? प्रोडक्ट। हाँ या ना? अब मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, हमारे पास रिएक्टेंट के तौर पे क्या बेटा? फिनोल। क्या बेटा? फिनोल। अब फिनोल की अगर बात की जाए तो सर ये होता है फिनोल, ओ सिंगल बॉन्ड एच। हाँ या ना बेटा? आपको यहां पे क्या करना है, सबसे पहले सारी चीजों को समझना है और फिर देखना है कि सर कौन किसका ऐसा काम करेगा। अब मेरे बच्चों देखो, यहां पे सर अगर बात की जाए तो कोई ना कोई क्या होगा बेटा? रिएजेंट। और रिएजेंट की अगर बात की जाए तो यहां पे रिएजेंट क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल। क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल। और रिएक्टेंट के तौर पे क्या होता है? फिनोल। हाँ या ना? अब सर अगर बात की जाए फिनोल की, तो आपने पढ़ा है बेटा जो फिनोल है ये क्या करता है सर? यहां पे प्लस आर इफेक्ट शो होता है। कैसा बेटा? प्लस आर इफेक्ट। यानी कि सर कुल मिला के अगर बात की जाए तो यहां पे रेजोनेंस की कंडीशन आती है। किसकी आती है बेटा? रेजोनेंस की। सर उससे पहले मुझे यह समझना है कि अगर बात की जाए फिनोल की तो फिनोल किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का या इलेक्ट्रोफाइल का? भैया सीधी सी बात है, देखो ध्यान से सुनना, इस बेंजीन रिंग में तीन तो पाई बॉन्ड है। कितने पाई बॉन्ड है बेटा? तीन पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड की बात की जाए तो सर एक पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, तो तीन पाई बॉन्ड में कितने बेटा? छह इलेक्ट्रॉन। हाँ या ना? सर यहां पे एक्सेस अमाउंट है किसकी बेटा? इलेक्ट्रॉन की। और इलेक्ट्रॉन की अगर एक्सेस अमाउंट है तो वो स्पीसीज किसका काम करती बेटा? न्यूक्लियोफाइल का। किसका काम करेगी? न्यूक्लियोफाइल का। अब ध्यान से सुनना सर, अगर यहां से बात की जाए तो ये जो बेंजीन रिंग है ये कैसा इफेक्ट शो करेगी बेटा? प्लस आर इफेक्ट। सर अगर यहां से बात की जाए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, बेटा अगर मैं यहां से बात करूं तो सर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है कितना बेटा? 3.5। और हाइड्रोजन का कितना? 2.1। और ये मैंने आपको बहुत बार बताया सर, यहां पे ऑक्सीजन क्या करेगा? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिससे बेटा हाइड्रोजन पे चार्ज किसका? पॉजिटिव का। और ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा? नेगेटिव। हाँ या ना? तो सर यहां से हाइड्रोजन बाहर होगा किसकी फॉर्म में बेटा? एच प्लस की फॉर्म में। सर यहां पे आपके पास जो बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? फिनोक्साइड आयन। क्या बनेगा बेटा? फिनोक्साइड आयन। ऑक्सीजन इस पे चार्ज कैसा? नेगेटिव। सर नेगेटिव, उसके बाद सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, अल्टरनेटिव पाथ बना। और अल्टरनेटिव पाथ बनने की वजह से यहां पे क्या होगा बेटा? रेजोनेंस। सर होगा क्या, ये नेगेटिव चार्ज यहां पे आएगा तो सर ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? अगले कार्बन पे। सर क्यों? क्योंकि सर जैसे ये इलेक्ट्रॉन आएगा यहां पे तो यहां पे क्या बनाएगा बेटा? ऊपर की तरफ डबल बॉन्ड, दो इस तरफ चार और एक इस तरफ पांच। और कार्बन कभी भी पांच बॉन्ड नहीं बनाता। इस कंडीशन में पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन मूव करेगा अगले कार्बन पे, और नेक्स्ट कार्बन पे अगर मूव करेगा तो नेक्स्ट कार्बन पे जो चार्ज आएगा वो किसका आएगा बेटा? माइनस का। किसका आएगा? माइनस का। सर ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड जैसे थे बेटा वैसे के वैसे लिखे, यहां पे क्या आया? डबल बॉन्ड। यहां पे क्या बेटा? ऑक्सीजन। यहां पे चार्ज कैसा? नेगेटिव। आ गया बेटा। सर अगली कंडीशन में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे मूव करेगा तो ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अगले कार्बन पे जाएगा। सर अगली स्टेप जो स्पीसीज बनेगी वो क्या बनेगी बेटा? ये हो गया सर आपके पास साइक्लोहेक्सेन, ऊपर बेटा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जैसा था वैसे का वैसा लिखा, यहां पे क्या है सर? डबल बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन यहां पे मूव कर रहा है तो यहां पे क्या आएगा? डबल बॉन्ड। और यहां पे चार्ज कैसा आएगा बेटा? नेगेटिव।
सर अगली कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेगा तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस से कौन खींच लेगा बेटा, कार्बन। तो इस कार्बन पे चार्ज कैसा, नेगेटिव। तो सर अगली स्पीसीज क्या बनेगी, तो ये हो गया सर आपके पास साइक्लोहेक्सेन। बेटा ये बॉन्ड जैसे था वैसे का वैसा, ये सर बॉन्ड एक और आ गया यहाँ पे चार्ज नेगेटिव, ऐसे ही ना बेटा, और यहाँ पे क्या आ गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अगली स्टेप में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेगा तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस से कौन खींच लेगा, ऑक्सीजन। तो खींचेगा तो भाई यहां से क्या बनेगा सर, ये हो गया आपके पास साइक्लोहेक्सेन, एक पाई दूसरा पाई ये तीसरा पाई बेंजीन रिंग। ऊपर बेटा क्या बचा, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा गया बेटा, नेगेटिव। कैसा है बेटा, नेगेटिव। सर यहां से एक बात बताओ, जब आपने फिनोल का रेजोनेंस वर्क किया, क्या किया बेटा, फिनोल का रेजोनेंस देखा, तो यहां पे जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये नेगेटिव चार्ज कहां का आ रहा है, एक बार तो बेटा 1-2 की पोजीशन ऑर्थो वाली, 1-4 की पोजीशन पैरा वाली, और ये 1-2 की पोजीशन कौन सी बेटा, ऑर्थो। यानी कि सर जो नेगेटिव चार्ज है वो एक बार कहां है बेटा, ऑर्थो पोजीशन पे, और एक बार कहां है, पैरा पोजीशन। अब सर होगा क्या, अब क्या होगा बेटा देखो सर, यहां पे होना जाना कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। और वो क्या कि सर जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन होगी तो पहली बात ये क्लियर है कि जो फिनोल है ये किसका काम करेगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल का। तो सर ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, बेंजीन एक पाई, सेकंड पाई ये थर्ड पाई, यहां पे क्या आ गया बेटा OH, और यहां पे आपने इसकी रिएक्शन किससे कराई बेटा, इलेक्ट्रोफाइल से। अब सर जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल कहां कहां अटैक करेगा बेटा, अब सर इस इलेक्ट्रोफाइल पे चार्ज पॉजिटिव है तो सर पॉजिटिव अटैक करेगा किस पे बेटा, नेगेटिव पे। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, सर जब फिनोल का रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखा जाता है तो ये जो नेगेटिव चार्ज है एक बार कहां है बेटा, ऑर्थो पे, और एक बार कहां है, पैरा पे। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल है एक बार तो कहां जुड़ेगा बेटा, ऑर्थो पोजीशन, और एक बार कहां जुड़ेगा, पैरा पोजीशन। यानी कि सर टोटल जो प्रोडक्ट बनेंगे वो कितने बनेंगे बेटा, दो प्रोडक्ट। तो सर यहां से क्या बना आपके पास कि सर ये हो गया आपके पास फिनोल, एक पाई दूसरा पाई तीसरा पाई OH, और यहां पे क्या क्या बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। और दूसरा क्या बनेगा सर, आपका फिनोल ही बनेगा, और यहां पे इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा बेटा, पैरा पोजीशन पे। यानी कि सर एक बार तो आपके पास क्या बनेगा, ऑर्थो डेरिवेटिव कंपाउंड, और एक बार क्या बनेगा बेटा, पैरा डेरिवेटिव कंपाउंड। ध्यान से सुनना, एक बार तो बनेगा ऑर्थो डेरिवेटिव, और दूसरी बार कौन बनेगा बेटा, पैरा डेरिवेटिव। अब सवाल ये कि सर अगर बात की जाए तो यहां पे टोटल प्रोडक्ट कितने बने बेटा, दो। तो दो में से सर को एक तो क्या होगा बेटा, मेजर, और एक क्या होगा बेटा, माइनर। सवाल ये कि सर यहां पे कौन सा मेजर होगा और कौन सा माइनर। अगर मैं फिनोल के केस की बात की जाए तो फिनोल के केस में बेटा ज्यादातर क्या बोला गया, ज्यादातर यानी कि 99% ऑर्थो वाले तो क्या बनेंगे बेटा, मेजर। क्या बनेंगे, मेजर। और पैरा वाले क्या बनेंगे बेटा, माइनर। सर पिछले लेक्चर की बात कीजिए, जब हेलो एल्किन हेलोरिन पढ़ा था तो आपने लिखा था कि पैरा वाला तो क्या बनता था, मेजर, और ऑर्थो वाला माइनर। तो फिर सर यहां पे ऑर्थो वाला मेजर बन रहा है, उसका रीजन क्या आएगा बेटा, उसका रीजन यहां पे आएगा बेटा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या आएगा बेटा, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या आएगा बेटा, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये था बेटा आपका जनरल इंट्रोडक्शन पार्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे चलते हैं हमारी केमिकल रिएक्शन पे कि सर हमारी केमिकल रिएक्शन किस तरीके से होती है। ठीक है बेटा, हो गया सभी का, अरे हो गया क्या, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, चले आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। अरे डस्टर कहाँ गया। तो ये चीज समझ में आई बेटा, ठीक है अब आगे मूव करते हैं। सर अब यहां से अगर बात की जाए तो जो पहली रिएक्शन है वो कौन सी बेटा, नाइट्रेशन। कौन सी है सर, नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन की अगर बात की जाए तो नाइट्रेशन क्या है, क्या होगी पूरी कहानी, ये आपको समझना है। बस थोड़ी देर का लेक्चर है, इसको समझना और ट्राई करना कि कहानी क्या है। ठीक है बेटा, देखो बेटा जो पहली रिएक्शन है वो है सर आपके पास नाइट्रेशन। कौन सी बेटा, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन, या फिर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो क्या होगा बेटा, नाइट्रीकरण। क्लियर है। अब नाइट्रेशन की बात की जाए तो नाइट्रेशन में आपने पढ़ा था कि सर यहां पे जो रिएक्शन है ये किसके साथ कराई जाएगी बेटा, देखो नाइट्रेशन में क्या होगा सर, यहां पे ये आपने सबसे पहले क्या लिया बेटा, फिनोल। क्या लिया बेटा, फिनोल। और सर इस फिनोल की रिएक्शन किसके साथ कराई बेटा, यहां पे आपने डाल दिया H2SO4, और एक बेटा क्या डाला, HNO3, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। और ये कैसे डाल दिया बेटा, डाइल्यूटेड। कैसे डाला, डाइल्यूटेड। क्लियर बेटा, आई कहानी समझ। सर डाइल्यूटेड का मतलब यह कि यहां पे इन दोनों का जो रेशियो है, सीधी सी बात तो यह है कि H2SO4 और HNO3 दोनों का रेशियो कैसा होगा बेटा, इक्वल। ठीक है, डाइल्यूटेड डाला है तो इसका मतलब यह कि सर बहुत कम है। क्या बेटा, बहुत कम। क्लियर। अब यहां पे अगर बात की जाए तो सर पहला सवाल यह है कि इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर काम कौन करेगा और किस तरीके से सर इलेक्ट्रोफाइल के काम के तौर पर जो काम कर रहा है वो कहां कहां जाके जुड़ेगा और किस किस तरह जाके जुड़ेगा। देखो बेटा
अगर मैं यहां से बात करूं H2SO4 की, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, H2SO4 का लुईस रोड स्ट्रक्चर बनाना। बेटा ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 6। सर कितने ऑक्सीजन, 2। ये बेटा एक ऑक्सीजन के भाईतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने, 6। तो ये ऑक्सीजन सल्फर के साथ कितना बॉन्ड बना रहा है, डबल। सर ये दूसरा ऑक्सीजन इसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 6। तो ये भी कितना बॉन्ड बनाएगा, डबल। अब क्या बचा आपके पास, दो ऑक्सीजन और एक क्या, दो क्या बचे बेटा, हाइड्रोजन। तो इस तरीके से इनका क्या बनेगा बेटा, लुईस रोड स्ट्रक्चर बन गया बेटा। सर सबसे पहले यहां से क्या होगा, इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इस हाइड्रोजन से ज्यादा, तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किसने खींचा, ऑक्सीजन ने। तो ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा, नेगेटिव। हाइड्रोजन पे चार्ज कैसा, पॉजिटिव। तो यहां से क्या बना, H प्लस, और यहां से क्या बन रहा है, HS1 2 3 4। यानी कि सर यहां से बनेगा HSO4 और यहां पर चार्ज कैसा है बेटा, माइनस का। अब सर जो लुईस रोड स्ट्रक्चर बनाना है वो किसका बनाना बेटा, नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड की बात की जाए तो सर ये नाइट्रोजन, इसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 5। सर ये 2, ये बेटा 2, 4 और एक ये 5। यहां पे एक ऑक्सीजन जुड़ा किससे, डबल बॉन्ड से। सर यहां पे ऑक्सीजन और यहां पे क्या गया बेटा, हाइड्रोजन। अब देखो एक ऑक्सीजन बचा आपके पास, इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 6। और मैंने आपको बताया था, ये पिछले लेक्चर में बताया था कि कोई एटम ए जिसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 8, और कोई एटम बी जिसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 2 या 6। उस कंडीशन में जो बॉन्ड बनता है वो बनता है बेटा कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्ड। कैसा बनता है, कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्ड। तो इस कंडीशन में नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने दोनों लोन पेयर शेयर करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो ये इसका लुईस रोड स्ट्रक्चर हो गया बेटा। अब रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा बेटा, ये H प्लस जो पहले बाहर निकला था। सर इस ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 6। सर हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज वहां पे जाके अटैक करेगा जहां पे इसको क्या मिले बेटा, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो सर ये इलेक्ट्रॉन कहां पे मिलेगा बेटा, ऑक्सीजन के साथ। तो ये अटैक किस पे करेगा, ऑक्सीजन पे। तो यहां पे क्या बनेगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, ओ। यहां पे क्या आएगा बेटा, ओ, और इसके साथ क्या है, हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया तो यहां पे क्या आ गया बेटा, हाइड्रोजन। और दिया तो सर इस पे चार्ज कैसा बेटा, पॉजिटिव। और ऑक्सीजन कभी भी पॉजिटिव चार्ज कैरी नहीं करता। तो ये क्या करेगा बेटा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तोड़ेगा। अब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किससे तोड़ेगा, नाइट्रोजन से। भाई अगर हाइड्रोजन से तोड़ा तो रिएक्शन कहां चला जाएगा, बैकवर्ड में। और बेटा हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहां से देखो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा बेटा, H2O का मॉलिक्यूल। यहां से क्या हो गया, बाहर। सर नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया था, इसका मतलब नाइट्रोजन पे चार्ज कैसा आएगा, प्लस का। यानी कि यहां से क्या बनेगा, NO2 जिस पे चार्ज कैसा बेटा, पॉजिटिव। कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिव। यानी कि सर यहां पे इलेक्ट्रोफाइल के जो तौर पे जो बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, NO2। सर इस पे चार्ज कैसा आया, पॉजिटिव। क्लियर बेटा। अब देखो यहां पे जो टोटल प्रोडक्ट बनेंगे वो कितने बनेंगे बेटा, 2। एक बार तो कौन सा, ऑर्थो वाला, और दूसरा कौन सा बेटा, पैरा वाला, OH। यहां पे बेटा नाइट्रोजन, यहां पे क्या लिख दूं, NO2। एक बार तो ये ऑर्थो वाला, और एक बार कौन सा बनेगा बेटा, पैरा वाला। अब देखो यहां से अगर बात की जाए तो ये क्या हो गया सर, OH, और यहां पे क्या लिखा बेटा, NO2। ये तो कैसा हो गया सर, ऑर्थो डेरिवेटिव। कैसा हो गया बेटा, ऑर्थो डेरिवेटिव। और ये कैसा हो गया सर, पैरा डेरिवेटिव। क्लियर बेटा। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, सर अगर मैं इसको खोल के लिखूं तो इस तरह से लिख सकता हूं, ओ सिंगल बॉन्ड एच, हाँ है ना। और नाइट्रोजन को खोल के लिखूं तो क्या लिखूं, सर ये एन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्योंकि सर नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 5। ये सर 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, ये तीसरे इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, और एक इसके पास क्या बचा बेटा, लोन पेयर। अब सर यहां पे कितना ऑक्सीजन बचा, एक ऑक्सीजन NO2। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 6। तो सर ये नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर यहां पे डोनेट करेगा इस तरीके से। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, छोटी सी बात, सर क्या मैं इस बॉन्ड को यहां पे इस तरह से लिख सकता हूं, सिंगल बॉन्ड हो, हाँ है ना। बेटा एक बात बताइए सर, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से ज्यादा, इलेक्ट्रॉन खींचेगी तो यहां पे कैसा आएगा, नेगेटिव। और इस हाइड्रोजन पे चार्ज कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिव। कैसा आएगा सर, पॉजिटिव। बेटा यहां पे इस नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया है तो इस पे चार्ज कैसा, नेगेटिव। और इस नाइट्रोजन पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। सर यहां पे इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या आएगा बेटा, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा सर, अट्रैक्शन। क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन। अब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा तो सर यहां पे क्या बनेगा, बॉन्ड। और बॉन्ड की अगर बात की जाए तो सर सवाल ये कि बॉन्ड कौन सा बनेगा। अब मेरे बच्चों ध्यान से सुना, मैंने आपको बताया था कि सर अगर फोन के साथ क्या हो बेटा, हाइड्रोजन, यानी कि सर फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन हो,
ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन हो और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन हो, तो उस कंडीशन में बॉन्ड कौन सा बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहां पे देखो, इस ऑक्सीजन के साथ क्या बेटा? हाइड्रोजन। तो यहां पे क्या बना बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है? यानी कि सर यहां पे ऑर्थो वाला तो क्या बनेगा बेटा? मेजर प्रोडक्ट। क्या बनेगा सर? मेजर। और पैरा वाला क्या बनेगा बेटा? माइनर। क्या बनेगा सर? माइनर। और इसका रीजन क्या है बेटा? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। हो गया बेटा, आई कहानी समझ? तो ये था इसका आपका टॉपिक नाइट्रेशन वाला। तो ये था बेटा इसकी रिएक्शन और इसका इलेक्ट्रोफाइल किस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि सर मैकेनिज्म ये किस तरीके से रिएक्शन करेगा और किस तरीके से आपका जो रिएक्शन है वो आगे की तरफ प्रोसीड होती है। ठीक है बेटा, 1 2 3 4 5 हो गया बेटा, ले लिया स्क्रीनशॉट, चले आगे। अरे हो गया क्या? हो गया, ठीक है। अब देखो बेटा, यहां से सर अगर ये NO2 जुड़ा है तो जुड़ा कैसे है? ये तो इलेक्ट्रोफाइल तक की कहानी थी। अब आपको पढ़नी इसकी बेटा मैकेनिज्म। क्या पढ़नी है सर? मैकेनिज्म। कि मैकेनिज्म की अगर बात की जाए तो सर ये रिएक्शन हुई तो हुई किस तरीके से? क्या बेटा? रिएक्शन हुई तो सर ये हुई किस तरीके से है? ठीक है बेटा, चलो ठीक है, आगे चलते हैं आपके टॉपिक पे। मेरी जिंदगी है ना भाई, तुम्हारी जिंदगी पढ़ाई है और कुछ नहीं है, ये सब फालतू की बात होते हैं। ठीक है, देखो बेटा, अब इसके मैकेनिज्म की बात की जाए तो सर यहां पे ये रिएक्शन हो किस तरीके से रही है, सबसे पहले आपको ये समझना है। ठीक बेटा, ऐसा ही कुछ है ना? हाँ ऐसा ही कुछ है सर। बेटा यहां पे अगर बात की जाए रिएक्शन की, तो इस रिएक्शन में क्या होता है? ये ज्यादातर रिएक्शन बेसिक मीडियम में कराई जाती है। यहां पे बेटा एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम होता है। कैसा होता है? एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम अवेलेबल होते हैं। अब मेरे बच्चों देखो, सबसे पहले रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा? ये सर फिनोल, एक पाई, दूसरा पाई, तीसरा पाई, ओ और ओ के साथ क्या बेटा? एच। हाँ ना, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो ज्यादातर एज ए सॉल्वेंट के तौर पर यूज क्या किया जाता है बेटा? एच टू ओ का मॉलिक्यूल। अब एच टू में क्या होता है सर? एच पॉजिटिव, और दूसरा क्या होता है बेटा? ओ एच नेगेटिव। सर यहां पर क्या होगा? ये OH नेगेटिव रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अब मेरे बच्चों देखो, इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से ज्यादा, तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन किसने खींचे? ऑक्सीजन ने। ऑक्सीजन पे कैसा? नेगेटिव। इस हाइड्रोजन पे कैसा? पॉजिटिव। और ये H और OH मिलके क्या बनाएगा बेटा? H2O का मॉलिक्यूल। हाँ या ना। अब मेरे बच्चों देखो, ये आगे क्या बनेगा आपके पास? योग्य सर, आपके पास ऑक्सीजन और इस पे चार्ज है नेगेटिव, मतलब आपके पास क्या बन गया बेटा? फिनोक्साइड आयन। हाँ या ना। अब सर यहाँ पे रेजोनेंस होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेगा, तो ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे आएगा, तो अगली कंडीशन क्या बनेगी? ये हो गया सर आपके पास बेंजीन रिंग, बेटा एक पाई जैसा था वैसा, दूसरा पाई वैसा का वैसा, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा? नेगेटिव चार्ज खत्म। और यहाँ पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड। और सर यहाँ पे चार्ज कैसा आ गया बेटा? एन नेगेटिव। अब रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा? NO2, जिस पे चार्ज कैसा बेटा? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव वहां पे जाकर अटैक करेगा जहां पे चार्ज कैसा? नेगेटिव। तो यहां पे जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या बनेगा बेटा? ये सर एक पाई, ये बेटा दूसरा पाई, यहां पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पे क्या आएगा बेटा? NO2। अब देखो इस कंडीशन की अगर बात की जाए तो यहां पे इस पॉइंट में कितने बॉन्ड बने बेटा? तीन बॉन्ड। इसका मतलब चौथा बॉन्ड किससे पूरा हुआ? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन सर एरोमेटिसिटी देने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहां पे फेंकेगा। हाँ है ना, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां पे फेंक रहा है तो हाइड्रोजन बाहर हो रहा है, किसके फॉर्म में बेटा? एच प्लस में। यहां पे क्या बनेगा? डबल बॉन्ड, दो, ये दो ऊपर चार और एक इस तरफ पांच, और कार्बन कभी भी पांच बॉन्ड नहीं बनाता। उस कंडीशन में ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा? नेगेटिव। हाइड्रोजन जब बाहर निकल रहा है किसके फॉर्म में? एच प्लस के फॉर्म में, तो भैया एच प्लस कहां चला जाएगा? ओ माइनस के पास। तो यहां से क्या बनेगा आपके पास? ये हो गया सर साइक्लोहेक्सेन, बेटा एक पाई, दूसरा पाई, तीसरा पाई, यहां पे क्या आ गया आपके पास? NO2, और यहां पे क्या आ गया? OH। हाँ या ना। तो यही तो था बेटा आपके पास ऑर्थो, और एक बार क्या था? पैरा वाला। सेम जिस तरीके से ऑर्थो वाले की रिएक्शन हुई है, सेम तरीके से किसकी होगी बेटा? पैरा वाले की। अब मेरे बच्चों ध्यान से सुनना सर, यहां पे जो नेगेटिव चार्ज है, अब जब ऑर्थो वाला कंपाउंड बनाना था तो नेगेटिव चार्ज आपको ऑर्थो पोजीशन पे लेके आना था। अगर बेटा पैरा वाला कंपाउंड बनाना है तो नेगेटिव चार्ज कहां आएगा? पैरा पोजीशन पे। क्लियर है? तो ये था बेटा इसका टॉपिक रिएक्शन और इसका मैकेनिज्म, ये कंप्लीट हो चुका है। अब यहां से एक छोटी सी चीज और देखनी है, और वो ये देखनी कि सर अगर ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, भाई यहां पे जो NO2 है वो किस पे बेटा? ऑर्थो पोजीशन पे, तो इसका नाम क्या हो गया? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। और यहां पे NO2 किस पे बेटा? पैरा पोजीशन पे, तो ये क्या बना सर? पैरा नाइट्रोफिनोल। सर ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल जब दोनों की कंपैरिजन की जाए तो दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी और किसकी क्या होगी बेटा? कम होगी। अब आपको यह टॉपिक समझना है। क्लियर है? हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे चलते हैं बेटा। ठीक,
1, 2, 3, 4, 5 हो गया बेटा। चलो ठीक है, देखो बेटा तो रिएक्शन इसका मैकेनिज्म हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो बेटा टॉपिक को वापस से रिवाइंड करके देखना और आपको पूरा वीडियो क्लियर से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मेरे बच्चों ध्यान से सुनना जो बोला जा रहा है, ठीक। अब समझना क्या है, समझना ये कि सर क्वेश्चन ये है, अगर ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल दोनों की अगर बात की जाए तो दोनों सर कौन से मेथड से, तो पहली बात तो इनको सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये। और दूसरे क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो सर दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू किसकी ज़्यादा है और किसकी क्या बेटा कम, आपको ये समझना है। अब मेरे बच्चों ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। देखो टॉपिक क्या है, सवाल ये है कि सर ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा ज़्यादा, दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट क्या बेटा ज़्यादा, क्लियर है। सवाल क्या है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल विच वन हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट कि भैया दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू किसकी ज्यादा है। अब मेरे बच्चे ध्यान से सुनो और समझना जो चीज बोली जा रही है। सर ऑर्थोनाइट्रोफिनोल की बात की जाए तो बेटा ये हो गया आपके पास बेंजीन रिंग, है ना, एक पाई दूसरा पाई तीसरा पाई बन गया बेटा बेंजीन रिंग। सर यहां पे क्या था, ओ सिंगल बॉन्ड एच, और यहां पे क्या बेटा एन डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, इस तरीके से बेटा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है भाई, यही है बेटा। अगर पैरानाइट्रोफिनोल की बात कीजिए तो पैरानाइट्रोफिनोल का मतलब क्या कि सर ये हो गया आपके पास बेंजीन रिंग बेटा, एक पाई दूसरा पाई तीसरा पाई, यहां पे क्या गया सर ओ सिंगल बॉन्ड एच, और यहां पे जो NO2 है वो किस पाएगा बेटा पैरा पोजीशन पे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, चलो यहां पे लिख देता हूं डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ओ, इस तरीके से बेटा, हाँ ना। सर अगर मैं इसकी एक यूनिट और लगाऊं, क्या लगाऊं बेटा एक यूनिट और, हाँ ना, ध्यान से सुनना जो बोला जा रहा है, इसकी मैं अगर एक यूनिट और बनाऊं, जैसा मान लीजिए मैंने एक यूनिट यहां पे बनाई, ठीक बेटा, एक पाई दूसरा पाई तीसरा पाई, ये लिख सर ओ सिंगल बॉन्ड एच, और यहां पे बेटा एन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ओ, हाँ या ना। और इसकी बेटा मैं एक यूनिट और बनाऊं, ये यहां पे बनाई सर ये बेंजीन रिंग, एक पाई दूसरा पाई तीसरा पाई, ये ओ सिंगल बॉन्ड एच, और यहां पे क्या गया बेटा एन डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, हाँ या ना। अब मेरे बच्चों ध्यान से सुनना जो बोला जा रहा है, एक एक लाइन को समझना बस, कहानी कुछ नहीं है। सर अगर मैं यहां से बात करूं तो इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस हाइड्रोजन से ज्यादा, बिल्कुल सर, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसने खींचा ऑक्सीजन ने, इस ऑक्सीजन पे चार्ज नेगेटिव, इस हाइड्रोजन पे चार्ज पॉजिटिव, हाँ या ना। सर नाइट्रोजन ने जब ऑक्सीजन को अपना लोन पेयर दिया तो ऑक्सीजन कैसे हो गया बेटा नेगेटिव चार्ज। सर इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या बनेगा बेटा बॉन्ड, क्या बनेगा सर बॉन्ड, क्लियर है। और ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को क्या नाम दिया गया, ये है सर हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड, इतनी कहानी क्लियर। सर अगर सेम तरीके से मैं इस वाली स्पीसीज की बात करूं तो सर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, सर नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया किसको बेटा ऑक्सीजन को, तो सर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बनेगा बेटा बॉन्ड बनेगा, और सर इस बॉन्ड को भी क्या बोला जाएगा बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या बोला जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, इतनी कहानी क्लियर। अब मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, सर यहां पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में 11th क्लास चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग, उसमें आपने पढ़ा होगा कि सर हाइड्रोजन बॉन्ड आर क्लासिफाइड इन टू पार्ट, एक इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, हाँ या ना, ऐसे ही था ना भाई, एक तो होता है इंटरमोलिकुलर और एक होता है इंट्रामोलिकुलर, एक इंटरमोलिकुलर और एक बेटा इंट्रामोलिकुलर, क्लियर है, ये चीज होता है। अब सर यहां से अगर सवाल की बात की जैसे हिंदी में बोलूं, एक होता है अंतर अणुक, एक होता है बेटा अंतरा अणुक, इंटरमोलिकुलर और एक होता है बेटा इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर का मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनना और समझना कि सर यहां पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, क्या बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड, मेरा सवाल ये कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है ये एक ही कंपाउंड में बन रहा है या अलग अलग कंपाउंड के बीच में बन रहा है भाई, ये हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही कंपाउंड के बीच में बन रहा है, हाँ या ना भाई, ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्या है एक ही कंपाउंड के बीच में बन रहा है, क्लियर बेटा, आ रही कहानी समझ। लेकिन सर अगर मैं यहां से अगर बात करूं तो सर इस ऑक्सीजन ने नाइट्रोजन को, सॉरी नाइट्रोजन ऑक्सीजन को लोन पेयर दिया तो ये क्या हो गया सर नेगेटिव चार्ज, सर इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचा तो ये कैसा हो गया बेटा नेगेटिव, और ये हाइड्रोजन कैसा पॉजिटिव, सर ये नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा बेटा अट्रैक्शन, क्या होगा सर अट्रैक्शन। अब अट्रैक्शन है तो सर यहां पे क्या बनेगा बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या बनेगा बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड,
हाँ या ना। अब मेरे बच्चों देखो, यहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड और यहां पे भी क्या रहा है सर, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन अगर ऑर्थो पोजीशन की बात की जाए तो यहां पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो बनता है बेटा इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बनता है बेटा? इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है? और यहां पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये क्या होगी बेटा? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? अब ध्यान से सुनना, यहां से अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना जो बोला जा रहा है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट छोड़ के एक छोटी सी चीज समझना, आपने एक सेकंड समझना जो मैं बोल रहा हूं शब्दों को। बेटा आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि सर सॉलिड और सॉलिड के बीच में, सॉलिड और सॉलिड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, ऐसा ही होता बेटा। कि सर अगर बात की जाए इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम इज मोर स्ट्रॉन्गर, तो कंडीशन किसकी आती बेटा? सॉलिड की। अगर सर इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या बेटा? इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम लेस देन सॉलिड एंड मोर देन गैस, तो कंडीशन किसकी आती है बेटा? लिक्विड की। और गैसेस की अगर बात की जाए तो गैस में तो बेटा दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है। मेरा सवाल आपसे यह है कि ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में क्या कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? क्या क्या कोई बॉन्ड बना? नहीं बना। इसका मतलब सर ये कंडीशन अगर मैं सोच के देखूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं जस्ट अज्यूम करूं तो उस कंडीशन के हिसाब से कंडीशन कैसे होगी बेटा? गैसेस कंडीशन। सर यहां पे एक स्पीसीज ये नाइट्रो वाली और ये दूसरी स्पीसीज ये, क्या इन दोनों के बीच में बॉन्ड है? नहीं, बिल्कुल है। और सर दो मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड होगा, अट्रैक्शन होगा, तो या तो बेटा वो लिक्विड होगा और या क्या होगा सर? सॉलिड। भाई अगर सोचा जाए थ्योरेटिकली तो यहां से समझ में आता है कि सर जो पैरा वाली स्पीसीज है वो या तो क्या होगी बेटा? सॉलिड, और या फिर क्या होगी बेटा? लिक्विड। क्या होगी सर? लिक्विड। या तो सॉलिड और या फिर क्या होगी बेटा? लिक्विड। क्लियर यहां तक? अब मेरा सवाल ये है बेटा, ध्यान से सुनना जो बोला जा रहा है। सर अगर बात कीजिए गैसेस की तो दो मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, इन दोनों के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। लेकिन सर सॉलिड की बात की जाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा, और लिक्विड की बात की जाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड की कंपेरिजन में कम, लेकिन गैसेज की कंपेरिजन में क्या होगा बेटा? ज़्यादा। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसका मतलब सर या तो ये स्पीसीज सॉलिड हो सकती है या फिर क्या बेटा? लिक्विड। और अगर बात कीजिए ऑर्थो की तो ये सिर्फ क्या होगी बेटा? गैस। सवाल ये था कि सर अगर बात कीजिए बॉइलिंग पॉइंट की तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा? अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक तो लेनी है बेटा आइस, क्या लेनी है बेटा? आइस यानी कि बर्फ, पहला केस। और दूसरी कंडीशन ये कि आपका वाटर का मॉलिक्यूल है वो भी किस में बेटा? वेपर फॉर्म में। तो दोनों को वेपर बनाने में ज्यादा टाइम किस में लगेगा? ऑफिशियली बात है कि भाई सॉलिड को गर्म करने के लिए टेम्परेचर क्या देना पड़ेगा बेटा? ज्यादा। और जो आपके पास है जैसे मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं, जो वोलेटाइल मॉलिक्यूल है तो उसको वेपर फॉर्म में जाने के लिए टेम्परेचर क्या चाहिए बेटा? कम। इसका मतलब सर सॉलिड के लिए बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू क्या होगी बेटा? ज्यादा। और बेटा जो गैस के लिए उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू क्या होगी? कम। इसका मतलब ये है कि सर जो पैरानाइट्रोफिनोल है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा बेटा? ज्यादा देन कंपेयर टू ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। क्या बोला गया बेटा? कि सर पैरानाइट्रोफिनोल हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट देन कंपेयर टू ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद आपको कहानी को समझाता हूं कि ऐसा क्यों है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते बेटा आगे की तरफ। 1 2 3 4 5 हो गया बेटा? अरे हो गया क्या? चले बेटा देखो, अगर ऑर्थो वाले की बात की जाए तो यहां पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, यहां पे क्या बनेगा बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां पे बनता है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे बनता है बेटा? इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहां पे जो बनता है वो बनता है बेटा इंट्रा, सॉरी क्या लिख दिया, इंटर मोलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहां पे बनता है बेटा इंट्रा, इंट्रा मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर बात की जाए वैसे देखा जाए जनरल कंडीशन की तो वो क्या था बेटा? इंट्रा मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रा मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन कंपेयर टू इंटर मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बस ये छोटा सा रीजन है। आई का नहीं समझ कि यहां पे क्या बनता है बेटा? इंट्रा मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहां पे क्या बनता है बेटा? इंटर मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और इंटर मोलिक्यूलर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इंट्रा मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कंपैरिजन में क्या होता है बेटा? ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, क्या सर? ऑर्थोनाइट्रोफिनोल हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट, मोर बॉइलिंग पॉइंट। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? ज्यादा। तो ये था बेटा आज का आपका टॉपिक कि सर नाइट्रेशन रिएक्शन क्या होती है, टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे, एक ऑर्थो वाला बनेगा और एक बेटा पैरा वाला।
ऑर्थो वाला क्या बनेगा? मेजर। लेकिन जब बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाती है तो बॉइलिंग पॉइंट के केस में जो पैरा वाला है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? ज्यादा देन कंपेयर टू ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। और रीजन क्या है? क्योंकि सर जो पैरा नाइट्रोफिनोल है उसमें बनता है बेटा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और ऑर्थो वाले में क्या बनता है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड सर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन कंपेयर टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये था बेटा आज का आपका टॉपिक और ये कंप्लीट होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते बेटा आगे की तरफ। 1 2 3 4 5 हो गया। चलो अब मेरे बच्चों यहां पे छोटी सी चीज और देखनी है, और वो क्या देखनी है सर? अगर फिनोल की रिएक्शन आपने डाइल्यूटेड HNO3 के साथ, H2SO4 और HNO3 के साथ कराई थी, तब तो क्या बना था बेटा? ऑर्थो पैरा वाला, हाँ या ना? अब मेरा सवाल ये है कि सर अगर मैं फिनोल की रिएक्शन, किसके बेटा? फिनोल की रिएक्शन, सर ये आपके पास क्या बेटा? फिनोल हो गया, फिनोल, हाँ या ना? सर इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ कराई? कंसंट्रेटेड H2SO4 और बेटा HNO3 के साथ। दोनों कैसे बेटा? कंसंट्रेटेड वैल्यू है। मेरे बच्चे थोड़ी देर पहले जब मैंने लिखा निकाला था यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे क्या आया था? NO2 जिस पे चार्ज कैसा आया था? पॉजिटिव। और वहां पे आपने क्या लिखा था? डाइल्यूटेड। क्या लिखा था बेटा? डाइल्यूटेड। अब मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, ये दोनों H2SO4 और HNO3 किस में होता है? सिंपल रेशियो में। अगर ये एक है तो ये भी कितना है बेटा? एक। और कंसंट्रेटेड का मतलब एक सर H2SO4 की यूनिट ज्यादा है, तो सर यहां पे HNO3 की यूनिट भी क्या बेटा? ज्यादा। तो जो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे बनेगा वो भी क्या बनेगा बेटा? ज्यादा, हाँ या ना? अब सर अगर बात कीजिए रेजोनेंस की, तो रेजोनेंस में जब निकाला जाता है तो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे, पैरा पे, और फिर से किस पे आता है? ऑर्थो पे। तो मेरे बच्चों एक बात बताइए, जहां पे इलेक्ट्रोफाइल खुद एक्सेस अमाउंट में है तो इलेक्ट्रोफाइल कहां कहां जाके जुड़ सकता है? जहां जहां पे सर नेगेटिव चार्ज की पॉसिबिलिटी है। तो मेरे बच्चों यहां पे अगर बात कीजिए नेगेटिव चार्ज की पॉसिबिलिटी की, तो सर जो नाइट्रो जो नेगेटिव चार्ज था वो एक बार कहां है बेटा? ऑर्थो पे। यानी कि सर NO2 कहां जुड़ेगा? एक बार ऑर्थो पे। एक बार कहां है बेटा? पैरा पे। यानी कि NO2 कहां जुड़ेगा? पैरा। और एक बार किस पे है बेटा? ऑर्थो पे। तो यहां पे भी क्या जुड़ेगा बेटा? NO2, जो एज ए इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे था। और इसको बोलते बेटा क्या बेटा? पिक्रिक एसिड। क्या बोलते बेटा? पिक्रिक एसिड, या फिर बेटा इसको बोला जाता है 2,4,6 भाई, दो, ये एक, ये दो, ये तीन, चार, पांच, छह, दो नंबर पर, चार नंबर पर, छह नंबर पर क्या बेटा? नाइट्रो ग्रुप। तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल। क्या है बेटा? 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल। क्लियर है? तो ये बेटा आज का आपका टॉपिक नाइट्रेशन वाला कंप्लीट हो चुका। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो वीडियो को रिमाइंड करके फिर से देखना है। करना कुछ नहीं है, सिर्फ रिमाइंड करके देखना है। टोटल दो प्रोडक्ट है। सीधी सी बात यह है कि जब नाइट्रेशन की कराई जाएगी फिनोल में, तो एक बार तो ऑर्थो वाला बनेगा और एक बार बेटा पैरा वाला। ऑर्थो वाला बनेगा मेजर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। बॉइलिंग पॉइंट की बात कीजिए तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका? पैरा वाले का। ड्यू टू कि सर वहां पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ऑर्थो वाले में बेटा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि सर अगर H2SO4 और HNO3 दोनों कैसे यूज किए गए? कंसंट्रेटेड। तो उस कंडीशन में आपको एज ए प्रोडक्ट के तौर पर क्या मिलेगा बेटा? पिक्रिक एसिड, या फिर इसको बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल। तो ये था बेटा आपका टॉपिक। उम्मीद करता हूं समझ में आया। अगर कोई थोड़ी बहुत भी पॉइंट आपको ये लगता है कि समझ में नहीं आया, तो अपने माइंड को चौक नहीं करना, आगे बढ़ना है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती जिनका जवाब आपको आगे मिलता है। तो बेटा वीडियो को प्रॉपर तरीके से प्रॉपर चैनल में देखना, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जो होगी आपकी सल्फोनेशन, और एक होगी बेटा आपकी नाइट्रेशन सल्फोनेशन, और एक होगा आपका हैलोजनेशन, या फिर फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन, जो भी है मैं करा दूंगा। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। अगर आपको हमारा वीडियो बनाया हुआ अच्छा लगता है और आपको समझ में आता है और आपको लगता है कि हम आपके लिए हेल्पफुल है, तो बेटा आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और सपोर्ट करने के लिए मैं आपसे कोई चार्जेस नहीं मांग रहा। मैं आपको कभी भी मेरे लेक्चर के लिए रुपया भी नहीं देना होगा। बस अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में आती है तो हल्का से एक लाइक अप जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।